तो एक बार फिर से लेवल दो वालों को सरकार की तरफ से बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो बीडी कल्ला जी जो कि इनके शिक्षा मंत्री है फ्रेंड्स, उनको जब उन्होंने पहले बयान दिया था कि 60,000 वैकेंसी में से 46,500 वैकेंसी में लेवल वन की जो सीटें थी वो डिसाइड की गई थी और लेवल टू की जो सीटें थी फ्रेंड्स वो टोटल 31,500 सीटें डिसाइड करी गई थी। तो पहले भी तो इन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ के बयान दिया होगा, लेकिन अभी दोबारा से इनका बयान सामने आता है जो कि सीएम की तरफ से कल सीएम का ट्वीट आता है फ्रेंड्स कि जो 46,500 पद थे उनका वर्गीकरण कुछ 21,000 और इधर से 25,000 की तरह 21,000 लेवल वन और 25,000 लेवल टू की फॉर्म में किया गया है। तो कहीं ना कहीं लेवल वन को तो फायदा हुआ है, हम ऐसा नहीं कहते कि उनको फायदा क्यों हुआ, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन जो लेवल दो का फ्रेंड्स जो कि पिछले 3 साल से हम लोग लगातार 3 साल से सिर्फ लेवल दो के लिए पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी बीच में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पटवारी से जाने कितनी वैकेंसी है, अगर चाहते हैं तो उस सेक्टर में भी जा सकते हैं, उनकी भी तैयारी कर सकते हैं, हमें उतनी काबिलियत तो कम से कम होगी सही कि हम उन एग्जाम को भी फाइट कर सके। तो फ्रेंड्स उन सारी चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ लेवल वन में लेवल टू में ही बने रहना एक बहुत बड़ी, कम से कम जाने कितने लोगों ने ये सारा डिसीजन लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है फ्रेंड्स। अब पहले आप ये देखो तो पहले 2021 में पेपर करवाया, वो भी एक डेढ़ साल बाद डिले करते करते लेवल दो का पेपर जो है 26 सितंबर को करवाया, उसके बाद में फिर वो रद्द कर दिया। उसके भी पहले आप इसे देखो कि लेवल वन का हमसे फॉर्म भराया गया था, लेवल वन का फॉर्म भराया तो सबको लग रहा था कि लेवल वन में भी कहीं ना कहीं हम हो जाएंगे, उससे भी पहले तो वहां से बाहर निकाल दिया, उसके बाद में लेवल टू की भर्ती को रद्द कर दिया। लेवल वन की भर्ती रद्द नहीं की, 15,000 की वैकेंसी उनकी पूरी हुई है फ्रेंड्स। तो 15,000 तो वो और अभी 21,000 हो तो उनके पद तो 31,000 से भी ऊपर हो गए फ्रेंड्स। लेकिन लेवल दो को यहां पर समझ में नहीं आता क्या वैकेंसियां नहीं है, क्या लेवल वन की ही वैकेंसी स्कूल में खाली है, लेवल टू की है ही नहीं, या फिर जो गवर्नमेंट है फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमारे साथ एक खेल खेल रही है। क्योंकि फ्रेंड्स जहां तक मुझे लगता है ये फिर से हमें उलझाए रखना चाहती है, क्योंकि अभी जो मेन पेपर है उसका जो टाइम है वो टाइम पीरियड जो है वो कम बचा है, लगभग 3 से 4 महीने बचे हैं। अब 3 से 4 महीने में कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं चाहेगा कि जयपुर जाकर के या कहीं जाकर के अपना टाइम वेस्ट करके वह धरना प्रदर्शन करे, तो ये लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लेवल वन और लेवल टू में फिर से विरोधाभास हो। अभी जैसे ये वीडियो अपलोड होता है या अभी आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में देखना, लेवल वन वाले यही कमेंट करेंगे कि आप हमारे अगेंस्ट बोल रहे हो। हम किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे, पहले हमें पता था कि 31,500 पद लेवल टू के लिए फिक्स है तो उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे थे। जो जैसा कि भी साजिद सर ने बोला कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को छोड़ करके लेवल जो थर्ड ग्रेड है उस एग्जाम की तैयारी कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रीट का अभ्यर्थी जब तैयारी करता है फ्रेंड्स तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है ज्यादातर अभ्यर्थी, तो वो चाहता है कि कहीं ना कहीं एक बार हमारे पास कोई सी भी छोटी सी जॉब आ जाए तो हम तो बस उसी से खुश हो जाएंगे। तो वो उसी को तैयारी कर रहा था, उसी की मेहनत कर रहा था। उसके साथ देखो आप लेवल दो में जो सिलेबस है उसको चेंज कर दिया पूरा। 2021 में किन किताबों को पढ़ा था, 2022-23 में किन किताबों को पढ़ना पड़ेगा, पहले क्या मैटर पढ़ा था अब क्या पढ़ेगा, सारा सिलेबस चेंज कर दिया। साइंस वालों के साथ और ज्यादा बुरा है, उन्होंने पहले जो जीके है राजस्थान जीके यानी कि हम लोग, उन्होंने राजस्थान जीके को इसलिए छोड़ रखा था कि हमें ओनली शिक्षक की तैयारी करनी थी और शिक्षक बनना था, क्योंकि उसी में जो जीके का पोर्शन था वो नहीं था तो हम उसको पढ़ेंगे भी क्यों। लेकिन अभी सिलेबस चेंज करने के बाद में जीके का पोर्शन डाल दिया तो अब वो जीके का पोर्शन पढ़ना पड़ता है, पढ़ रहा है न चाहते हुए भी। और ऐसा भी नहीं है जीके का कुछ टॉपिक ही डाले, पूरा का पूरा जैसे आरएस का सिलेबस हो ऐसा सिलेबस डाला है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये सारी चीज़ें, मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ, इस टाइप की वीडियो बनाना पड़ रहा है, यही बहुत अजीब सा लगता है जब इस टाइप की वीडियो बना करके मैं अपलोड करता हूँ। इस चैनल पर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था ओनली शिक्षा की तरीके से, मतलब बच्चों को सिखाने के साइंस इफेक्ट वीडियो बनाने के लिए, लेकिन सरकार ने इस जगह पर ला के पटक दिया है कि इस टाइप की वीडियो हमें बनानी पड़ रही है। क्योंकि फ्रेंड्स सरकार को अब आगे जो ये लास्ट साल है उनके पास जो भी वैकेंसियाँ है वो सारी वैकेंसियाँ एक साथ इसी साल में डाल दी और इसी साल में उनको सब कुछ करना है, पूरी वोटों की राजनीति हो रही है। लेकिन अगर सरकार ने सही फैसला नहीं लिया तो अभी 2023 में जो इलेक्शन होने वाले हैं फ्रेंड्स वहाँ पर इनको ये बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, आप सब लोग समझदार हो, आप सब लोग जो ट्रेंड चल रहा है फ्रेंड्स, जो वो टैग लगा करके ट्रेंड चल रहा है कि लेवल दो के पद है वह 31
20,500 करोड़, तो आप उसको फॉलो कीजिए और अपने स्तर पर, अपने जिला स्तर पर या जहां पर भी आप हो, तो इसका कड़े से कड़ा विरोध जरूर कीजिए, क्योंकि अगर विरोध नहीं किया फ्रेंड्स तो सरकार फिर से चुप रहेगी। तो जहां तक मुझे आशा है कि सरकार अपने इस फैसले को बदले और वापस से 31,000 या 32,000, आप तो 31,500 पद वापस से कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।